गाइस, आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करें। तो गाइस, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पूरा कवर करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप आईपीओ में ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो चलिए गाइस, देने के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न इथोनी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप भी ग्रो ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आसानी से आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जैसे ही गाइस आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको ग्रो के लोगों के सामने ही आपका जीमेल आईडी का लोगो शो करेगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल के नीचे आनी है और हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करनी है हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। जैसे गाइस आप सर्च करते हो हाउ टू इन्वेस्ट आईपीओ, तो सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा हाउ टू इन्वेस्ट आईपीओ का ऑप्शन। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद किस प्रकार से आपको प्रोसेस करनी है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बता दिया गया है 8 ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पे गाइस आपको बता दूँ किस प्रकार से आपको प्रोसेस करनी है इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ में। तो आपको नीचे में हर जगह का जो बटन दिख रहा है इन्वेस्ट इन आईपीओ, तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इन्वेस्ट आईपीओ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा और सबसे ऊपर में दे दिया गया है इंटायर पब्लिक ऑफरिंग, यह आईपीओ का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे गाइस दे दिया गया अपकमिंग 10, यानी कि यहाँ पे अपकमिंग 10 आईपीओ आ रहा है, जो आने वाला है वो आईपीओ यहाँ पे शो कर रहा है, जो LIC, बजाज एनर्जी, आदित्य बिरला, गोएयर, पेटीएम, ये सारे जो है गाइस आने वाले अपकमिंग आईपीओ है। तो आपको स्क्रॉल के नीचे आनी है और यहाँ पे रिसेंटली क्लोजेड, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल के नीचे आनी है और यहाँ पे जो आईपीओ हो आपको रिसेंटली लिस्टेड, इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको इन्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसमें आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। तो जैसे गाइस इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ दे दिया गया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और आईपीओ डिटेल्स, टोटल यहाँ पर शो कर रहा है आईपीओ लिस्टिंग डिटेल्स। तो आपको स्क्रॉल के नीचे जितनी इसके डिटेल्स लेनी है अबाउट द कंपनी, टोटल डिटेल्स यहाँ आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेड शेयर वाले हर बटन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल एंड बाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये जो इसका जो परफॉर्मेंस आपको देखनी है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे दिया गया है, आपको परफॉर्मेंस यहाँ पूरी प्रॉपरली तरीके से आप देख सकते हो और मार्केट डेप्थ भी शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप अपना चाहते हो आईपीओ में यहाँ बाई करना शेयर, तो यहाँ से बाई पर क्लिक करके बाई कर सकते हो। तो जैसे कि बाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पर शेयर का यहाँ पे आपका दे दिया गया 127 रुपीज़ और यहाँ पे आपका जो NSE BSE जो भी सेलेक्ट करनी है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे BSE पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे NSE हो जाएगा और NSE पर क्लिक करोगे तो BSE हो जाएगा। और यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये रहेगा। और यहाँ प्राइस मार्केट है वो दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड मनी करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड मनी पर आपको क्लिक करनी है आपको शेयर बाय करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया, तो अमाउंट आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो आप फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग या दस कोई UPI से आप यहाँ से पे करके शेयर बाय करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे मैं दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इसी कारण से अभी मैं इसे बाय नहीं करता हूँ आईपीओ में शेयर। तो मैं बैक में आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से गाइस आसानी से आप शेयर बाय कर सकते हो आईपीओ में और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है किस प्रकार से आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ट्रस्टेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।